साइंटिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट इस पृथ्वी को जानने के लिए हर समय नए नए खोज में लगे रहते हैं, और ऐसे ही खोज करते करते वो कुछ ऐसे अद्भुत खोज कर लेते हैं जो पूरे विश्व को चौंका देता है। चलिए देखते हैं कुछ ऐसे घटनाओं के बारे में जिसका सटीक जानकारी आज भी अधूरी है। अक्टूबर साल 2020 में ईरान के कुर्दिस्तान में खुदाई के काम चल रहा था। खुदाई के वक्त एक बहुत ही पुराने कब्र का खोज मिला, जिसके अंदर एक इंसानी कंकाल मिला। ये कंकाल लगभग 1000 साल पुराना था और इसके सीने की हड्डी में भाले के निशान मौजूद थे। एक पुरानी कब्र में इंसानी कंकाल का मिलना एक सामान्य घटना है, लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट के लिए हैरान की बात यह थी कि यह कंकाल एक विशालकाय मिट्टी के जर में मौजूद था। ये घटना इतिहास में पहली बार देखी गई। आखिर क्यों एक शरीर को मिट्टी के जर में बंद करके समाधि दी गई थी? इस घटना की जांच के लिए साइंटिस्ट जुट गए। उस जार में कंकाल के साथ साथ कुछ हथियार और कुछ बेसकीमती पत्थर मिले थे। साइंटिस्टों ने अनुमान लगाया कि यह कंकाल शायद किसी योद्धा की होगी, और इस कंकाल के छाती में एक घाव के निशान देखने को मिले। इसे तो ये साफ साफ पता चल रहा है ये घाव के वजह से ही इसका मौत हुआ था। शायद ही इसकी वजह से इनके साथी ने सम्मान के साथ जर में बंद करके दफना दिया था। ये घटना निश्चित रूप से विज्ञान जगत को हैरान कर दिया था। हम सब जानते हैं प्राचीन समय में चिकित्सा विज्ञान इतना अच्छा नहीं था। तब के समय में साधारण बीमारी के वजह से काफी लोग मारे जाते थे। आधुनिक समय में चिकित्सा विज्ञान बहुत ही आगे बढ़ चुका है। अब के समय में अगर कोई भी महिला गर्भवती हो तो उसके लिए ढेर सारा इलाज के बंदोबस्त है, लेकिन प्राचीन समय में चिकित्सा विज्ञान बेहतरीन ना होने के कारण बच्चे को जन्म देते वक्त बहुत से महिला दम तोड़ दिया करती थी। अब जिस घटना को आप सुनने जा रहे हैं, ये घटना आज से लगभग 1200 साल पुरानी है। इटली के एक गांव में ये घटना घटी थी। एक गर्भवती महिला की मौत हो जाती है और उसकी सबको गांव के ही एक कब्रिस्तान में दफना दिया जाता है। लेकिन साल 2002 में उस जगह में खुदाई के द्वारा अचानक ही आर्कियोलॉजिस्ट को वो कब्र मिल जाता है। उस कब्र को सही से खोदने के बाद आर्कियोलॉजिस्ट ने एक कंकाल देखा। फिर उन्होंने अच्छे से जांच करने के बाद उस कंकाल के पैरों के बीच एक और छोटा सा कंकाल देखने को मिला। इसे साफ साफ पता चलता है कि ये दोनों कंकाल उस गर्भवती महिला और उसके बच्चे का है। दरअसल उस समय जब उस महिला की मौत हुई थी, तब उस गर्भवती महिला के पेट में पल रहे बच्चे की हालत पता करने का कोई भी उपाय नहीं था, जिसके चलते हुए माँ के साथ साथ पेट में मौजूद बच्चे को भी दफना दिया गया था, और बाद में कब्र के अंदर ही उस बच्चे का जन्म हुआ था। सच में ऐतिहासिक घटनाओं में से ये एक दुर्लभ घटना है। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस महिला की खोपड़ी में छोटे छोटे छेद मौजूद थे, जिसके कारण शायद ये अनुमान की जाती है कि इस महिला की मृत्यु दुर्घटना से हुई थी। साल 2017 एक ऑस्ट्रियन किसान खेती के लिए खुदाई कर रहे थे, तभी अचानक खुदाई के दौरान उनको कुछ इंसानी कंकाल देखने को मिले। तब उस किसान ने आर्कियोलॉजिस्ट को बुलाया, और जब आर्कियोलॉजिस्ट की टीम ने उस जमीन को खोदा तो वहां लगभग 55,000 इंसानी कंकाल देखने को मिले। दरअसल अनुमान की जाती है कि ये कंकाल ऑस्ट्रियन सैनिकों की कंकाल है। साल 1809 में नेपोलियन के हुक्म से उनके प्रतिद्वंदियों की हत्या की गई थी। हत्या के बाद फ्रेंच सेना इन ऑस्ट्रियन सैनिकों को खेत में गड्ढे करके दफना दिया था। आर्कियोलॉजिस्ट ने इन कंकाल के साथ ढेर सारे हथियार भी मरम्मत की है, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उन सेना में से ज्यादातर सैनिक बीमार थे। रिसर्चर्स ने पता किया है सैनिक स्कर्वी बीमारी से गुजर रहे थे। असल में सेनाओं ने लॉन्ग मार्च किया था और साथ ही में भारी भरकम वजन लेकर चल रहा था, जिसके कारण उनके घुटने सूज चुका था और कुछ लोग निमोनिया से भुगत रहे थे। सबसे दर्दनाक बात यह है कि इन सैनिकों में से बहुत से ऐसे सैनिक मौजूद थे जिनकी उम्र 15 से 18 साल के भीतर थे। इन सब के बावजूद भी उन लोगों ने बहादुरी के साथ लड़ाई किया था अपने देश के लिए। चेक रिपब्लिक में मौजूद कैपुचिन क्रिप्ट पृथ्वी के भयंकर कब्रिस्तान में से एक है। ये एक ऐसा कब्रिस्तान है जहाँ 300 साल पहले सन्यासी को मम्मी बना के रखा जाता था। ये कब्रिस्तान खुले में नहीं है। इस कब्रिस्तान को एक चर्च के नीचे बनाया गया था, और कब्रिस्तान के अंदर जाने के लिए एक खुफिया रास्ता भी बनाया गया था, जो कि सिर्फ उस समय की राजघराने के अलावा किसी को भी नहीं पता था। अगर आप कभी भी इस जगह पर जाएंगे तो देखेंगे इन मम्मियों को किसी भी प्रकार के
कॉफी में नहीं रखा गया है, इन्हें ऐसे ही खुले में एक लाइन में रखा गया है। इन मम्मियों के सर को एक पत्थर के ऊपर रखा गया था। नॉर्थ यूरोप के बाल्टिक समंदर में कुछ मछुआरों ने उनके जल में एक अद्भुत चीज ढूंढ निकाले थे। उन्होंने पहले सोचा था शायद ये कोई खराब टाइपराइटर होगा। हालांकि काफी हद तक ये मशीन टाइपराइटर की तरह ही दिख रहा था, लेकिन बाद में उनको लगा कि ये टाइपराइटर नहीं है, इसीलिए इस मशीन को जाँच के लिए रिसर्चर्स को दे दिया था। जाँच के बाद सबको हैरान करने वाली बात सामने आई। दरअसल ये मशीन हिटलर की थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय हिटलर अपने सैनिकों के साथ सीक्रेट प्लान भेजा करता था कोट के आकार में। असल में इस मशीन में कोई भी अक्षर को दबाया जाए तो पर्टिकुलर अक्षर शो नहीं करता है। इस मशीन में भेजा गया कोड ब्रेक नहीं किया जा सकता था तब के समय में। वो कोड केवल एनिग्मा मशीन के जरिए से ही ब्रेक किया जा सकता था, और एनिग्मा मशीन केवल जर्मन सेनाओं के पास हुआ करता था। और फिर जब हिटलर को लगा कि अब उसकी अस्तित्व संकट में है, तब उसने इस मशीन को समंदर में फेंक दिया था ताकि कोई भी इस मशीन के अंदर मौजूद कोड को डिकोड न कर पाए। इतिहास के किताबों से हमें जानकारी मिली है कि प्राचीन समय में इंसान पत्थर और जानवर के हड्डियों को इस्तेमाल करते थे अपनी आत्मरक्षा के लिए। अब जानकर हैरान हो जाएंगे, एक वनवासी समुदाय जो इंसानी हड्डी से बनाई हथियार इस्तेमाल करते थे। हाल ही के समय में आर्कियोलॉजिस्ट डॉगरलैंड आइलैंड पर इंसानी हड्डियों से बनाई गई हथियार मरम्मत की है। वनवासी इंसानी हड्डियों से हथियार या दूसरा कुछ काम किया करता था। डॉगरलैंड आइलैंड एक समय एक द्वीप हुआ करता था जो कि ब्रिटेन के पास मौजूद था। सी लेवल बढ़ने के कारण डॉगर आइलैंड समंदर के नीचे समा चुका है। 6000 साल पहले इस द्वीप में नोमैडिक समूह रहा करता था। ये समूह नरभक्षी थे और इंसानी हड्डियों का हथियार बनाया करते थे। स्वीडन में रेल ट्रैक बिछाने का काम चल रहा था, तभी अचानक वर्कर को कुछ ऐसा देखने को मिला जिसे देखने के बाद वर्कर्स की रातों की नींद हराम हो चुका था। वो लोग वहां ढेर सारे इंसानी खोपी का आविष्कार किया था, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि खोपी के बीचों में कीले ठोका गया था। रिसर्चर्स के अनुसार 8000 साल पहले इस जगह पर एक तालाब मौजूद था और यहाँ पर धर्मीय रीति रिवाज का पालन हुआ करता था। इस स्थिति में इंसान की बलि चढ़ाई जाती थी, उसके बाद इंसानी सर को तालाब में फेंक दिया जाता था। लेकिन अब सवाल यह है, माथे पर कीले कब लगाया जाता था, बलि देने से पहले या बलि देने के बाद? इसका उत्तर अभी भी नहीं मिल पाया है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए।